खूबसूरत गांव में, जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की महक थी, एक नन्ही बच्ची मरियम रहती थी। मरियम बहुत शरारती और चलबली थी और गांव के आसपास खेलना और नई जगहें तलाश करना उसका पसंदीदा मशगला था। एक दिन मरियम अपनी बल्ली के साथ खेलते हुए गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने कनवे के पास पहुंच गई। कनवा देखने में बहुत गहरा और खौफनाक लग रहा था, लेकिन मरियम को तजस्सुस हुआ कि कनवे के अंदर क्या हो सकता है। जब मरियम कनवे के किनारे पर झुककर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी तो उसका पांव फसल गया और वो कनवे के अंदर गिर गई। कनवा बहुत गहरा था और मरियम के चीखने की आवाज गूंजती, लेकिन वो कनवे के अंदर फंस गई। कनवे के अंदर बहुत अंधेरा था और मरियम को बहुत डर लग रहा था। वो रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अचानक एक नर्म और चमकदार रोशनी कनवे के अंदर फैल गई और मरियम ने देखा कि एक खूबसूरत परी उसके सामने नमूदार हो गई है। परी की चमकती हुई पर और नर्म रोशनी ने कनवे को रोशन कर दिया। परी ने मरियम को तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मरियम ने खूब ज़दा होकर कहा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें मदद की जरूरत है। परी ने अपने जादुई छुड़ी से रोशनी का एक दायरा बनाया और मरियम के अर्ध गर्द फैला दिया। मरियम ने देखा कि उसके कदमों के नीचे जमीन हमवार हो गई है और उसका खौफ कम हो गया है। परी ने कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, आओ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूं। परी ने अपनी छुड़ी से एक रास्ता बनाया जो कनवे के ऊपर तक जाता था। मरियम ने खौफ जदा होकर पूछा, क्या मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ सकती हूँ? परी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये जादुई रास्ता तुम्हें महफूज तरीके से ऊपर ले जाएगा। मरियम ने हिम्मत जमा की और जादुई रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई, परी उसके साथ साथ उड़ती रही और उसकी हिफाजत करती रही। मरियम ने देखा कि कनवे की दीवारों पर खूबसूरत मनाजर बने हुए हैं और वो देखकर खुश हो गई। आखिरकार मरियम कनवे के ऊपर पहुंच गई और उसने खुशी से चीख मारी, मैं आजाद हो गई। परी ने मरियम को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो। आसमान के बादलों में एक खूबसूरत दुनिया थी जहाँ परियां रहती थी। ये दुनिया रोशन सितारों से घिरी हुई थी और हर तरफ रंग बिरंगे बादल बिखरे हुए थे। वहाँ परियों का किला एक बड़ी बादल की पहाड़ी पर बना हुआ था जो दूर से चमकता हुआ नजर आता था। परियों की मलका नूर परी की सल्तनत थी जो इंसान और मोहब्बत से भरपूर थी। इस दुनिया में हर रोज खुशी का जश्न मनाया जाता और हर रात परियों की चमकदार रोशनी से आसमान रोशन हो जाता। एक दिन नीलम नामी एक छोटी सी परी ने आसमान के पार से आने वाली रोशनी देखी। वो रोशनी जमीन से आ रही थी। नीलम को तजस्सुस हुआ और उसने मलका नूर परी से इजाजत मांगी कि वो इस रोशनी का राज जानने के लिए जमीन पर जा सके। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ नीलम, लेकिन याद रखो, इंसानों की दुनिया में मोहब्बत और नेकी को बेगम ले जाना। नीलम ने अपनी परों को खड़खड़ाया और बादलों से नीचे जमीन की तरफ उड़ गई। वो हैरान थी कि जमीन की दुनिया कितनी मुख्तलिफ थी, लेकिन उसने हर जगह मोहब्बत और नेकी की चमक फैलाना शुरू कर दी। जल्द ही इसकी रोशनी ने इंसानों के दिलों को भी रोशन कर दिया। वापस आसमान पर परियों ने देखा कि नीलम की रोशनी से जमीन पर अमन और मोहब्बत की रोशनी पड़ने लगी। वो सब खुश थे कि नीलम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। नीलम वापस आई तो मलका ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया की रोशनी जमीन पर भी पहुँचा दी। यूं आसमान की दुनिया और जमीन की दुनिया मोहब्बत और नेकी के पैगाम से जुड़ गई और हमेशा के लिए रोशनी।